अब जरा चलते हैं श्रीगंगानगर से थोड़ा दूर। भाई श्रीगंगानगर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है और यहाँ का बॉर्डर इलाका टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मुस्तैदी से संचालित करता है। तो आज सोहा हमें लेके गए भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाने, जहाँ पर इतिहास की ढेर सारी कहानियाँ छुपी हुई हैं और इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होती है, क्योंकि किसी ज़माने में श्रीगंगानगर और हिंदूकोट एक बहुत बड़ा ट्रेड सेक्टर था। तो चलिए सोहम संग चलते हैं भारत और पाकिस्तान का ये बॉर्डर देखने। वैसे रास्ते का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, जहाँ पर सोहम ने हमें अपने कीनू के खेत दिखाए, जहाँ पर गाड़ियाँ अभी भी सिग्नल के लिए रुकती हैं। और आखिरकार हम पहुंचे उस जगह जहाँ भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है। जिस जगह मैं आया हूँ वहां से पाकिस्तान इधर है और ये इंडिया है। तो सोहम, क्या है ये इंडिया पाकिस्तान का मामला और ये गंगानगर से क्या कनेक्शन है? गंगानगर से ये कनेक्शन है कि हमारा शहर जो है बहुत ही अलग सी लैंडस्केप है हमारे शहर की। हमारे यहाँ से पाकिस्तान 20 किलोमीटर है, पंजाब भी 20 किलोमीटर है और हरियाणा भी 20 किलोमीटर है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो पाकिस्तान बॉर्डर है जी। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। अगर पाकिस्तान हमारा, अगर हमारा और हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ होता तो हमारे लिए बॉम्बे नज़दीक नहीं होता, हमारे लिए लाहौर नज़दीक होता और सब कुछ ऊपर वाले ने लिखा होता है गैस जी। तो चलिए अब हम ये बॉर्डर करीब से देखते हैं। तो सोहम, दिखाएं हमें ये BSF के साथ, हम ये देखते हैं इंडो पाक बॉर्डर। आइए चलिए। इस जगह का नाम है हिंदू मलकोट और यहाँ पर भारत यानी ब्रिटिश इंडिया, जो अब भारत और पाकिस्तान में बट गया है, उसका एक बहुत बड़ा इतिहास छिपा हुआ है। आज़ादी के बाद सब कुछ बदल गया जी। हाँ, तो मतलब पहले बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था इस जगह का जी, बीकानेर रियासत का पार्ट था ये जी, महाराजा गंगा सिंह के टाइम पे, और उनके दीवान थे, उनके नाम पर इसका नाम हिंदू मलकोट रखा गया था जी। और गंगानगर का नाम कहाँ से आया? गंगानगर का नाम महाराजा गंगा सिंह हुआ करते थे, बीकानेर के राजा, तो उनके नाम पर गंगानगर का नाम रखा गया। कैसे इतिहास बदलता है, चीज़ें बदलती हैं। ये जगह मेरे हिसाब से बहुत फ्लरिश हुआ करती थी इस टाइम पर कि यहाँ पर बिजनेस हो रहा है, बिजनेस कहाँ कहाँ हो रहा है, कराची अफगानिस्तान तक बिजनेस हो रहा है इस जगह से जी। और आज ये जगह कट गई है सब चीज़ों से, सिर्फ एक बॉर्डर एरिया रह गया कि यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर आप देख सकते हैं। तो वो बात होती है ना, जैसे हमारी उसमें धर्म में लिखा होता है कि चीज़ें बनती हैं, चीज़ें अपनी पीक पर पहुंचती हैं जी। और ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कॉन्सेप्ट होता है कि ब्रह्मा जी शायद सृष्टि बनाते हैं, विष्णु जी उसको आगे बढ़ाते हैं और शिव जी उसको ध्वस्त करते हैं जी। तो ये जगह आज से 100 साल पहले आप ये देखिए कि वो आप वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर देख सकते हैं जी। पीछे देखिए, ये पाकिस्तान बॉर्डर है। वैसे बाघा बॉर्डर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है, यहाँ पर टूरिस्टों की भीड़ नहीं, लेकिन एहसास वही होता है, उस इतिहास को लोग याद करते हैं जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए हों। और बॉर्डर का ये एक्सपीरियंस हमारे साथ एक बार फिर से शेयर किया, जो उनके होम टाउन श्रीगंगानगर से जुड़ा हुआ है। तो सोहम के साथ उनके होम टाउन श्रीगंगानगर से हम एक अनोखा नज़ारा देख रहे हैं। तो सोहम, एक बहुत ही हिस्टोरिक जगह पर हैं जो आपके होम टाउन श्रीगंगानगर की खासियत है, तो बताएं जगह पर जिसका नाम है हिंदू मलकोट। तो ये हिंदू मलकोट है, यहाँ से आप देख सकते हो ये भारत की बाउंड्री है और इस बाउंड्री के उधर पाकिस्तान है। तो हमारे मतलब घर से ये जगह सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ से बहुत दूर दूर तक अफगानिस्तान तक बिजनेस होता था, चने का बिजनेस होता था, पर वो धीरे धीरे पार्टीशन हुआ, लैंडस्केप्स बदली, चीज़ें बदली, तो चीज़ें यहाँ पर भी बदली। यहाँ पर एक ट्रेन स्टेशन हुआ करता था जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, पर अब ये चीज़ें बदल गई हैं। पर आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ से पाकिस्तान सिर्फ महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बॉर्डर बहुत फेमस है। हमारे यहाँ पर कोई गंगानगर में हमसे अगर पूछता है कि क्या चीज़ दिखाओगे, तो हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं, हमारे पास सिर्फ भारत पाकिस्तान बॉर्डर है जी। सोहम शाह संग श्रीगंगानगर में भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के बाद अब सोहम शाह के साथ चलते हैं अगले पड़ाव पर। भाई उनका शहर श्रीगंगानगर एक और जगह से फेमस है, मशहूर गायक जगजीत सिंह भी इसी शहर से थे। वैसे शहर की छोटी छोटी बातें भी सोहम ने हमें बताई। तो ये मेरा कॉलेज है, SD कॉलेज, तो मैंने BCOM की थी तो यहीं से की थी, और उस समय काफ़ी बड़ा कॉलेज होता था, इसके पीछे इतना बड़ा ग्राउंड होता था,
कि जिसमें हमारे संडे को क्रिकेट मैच हुआ करते थे, कुछ छूता देखा करते थे और हम सोचा करते थे यार ये वाले कॉलेज, क्योंकि हमारे कॉलेज तो ऐसे नहीं हुआ करते थे। वो जो कुछ कुछ होता कि कॉलेज आप देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये कॉलेज कहाँ है, ये बॉम्बे में होते होंगे। फिर मैंने बॉम्बे में भी जाके देखा तो मुझे बॉम्बे में भी वैसे कॉलेज तो नहीं दिखे, वो कुछ उन्होंने कहीं सिंगापुर शूट किया था शायद, ऐसा कुछ था कि बॉम्बे के अभी कॉलेजेस वैसे तो नहीं होते जो कुछ कुछ होता में कॉलेज होते हैं। तो कुछ कुछ होता देखने के कारण हमने बहुत रिसर्च की यार ये कॉलेज कहाँ पाए जाते हैं, पर हमारे कॉलेज वैसे नहीं हुआ करते, हमारे कॉलेज बहुत सिंपल हुआ करते थे, पढ़ो घर जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज वाले आपको पिकनिक पे ले जाएंगे साल में एक बार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। बैगी जीन्स और मतलब स्टिच किए हुए कपड़े मिलते थे स्कूल तक, तो कॉलेज तक आया था तो थोड़ा सा डेनिम चालू हो गया था, सलमान खान आ गए थे, शाहरुख खान आ गए थे तो डेनिम चालू हो गई थी, पर बैगी फैशन में हुआ करती थी तब, पर बस यही स्टिच शर्ट यही सब हुआ करता था, स्किनी जीन्स नहीं हुआ करती थी तब। अपने स्कूल और कॉलेज के बाद आप सोहा में लेके गए अपनी फेवरेट मिठाई की दुकान पे। भाई श्रीगंगानगर की ये मिठाई इतनी फेमस है कि यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं मिठाई खाने, तो बहुत ही खास है ये मिठाई जो आज सोहम ने हमें खिलाई और दिखाई भी। ये हमारे यहाँ सबसे फेमस दुकान है रेवाड़ी बर्फी की, ये मैं कपिल शर्मा के शो पर भी ले गया था और अजय सर को भी खिलाई थी मैंने, उनको बहुत अच्छी लगी थी। टेस्ट कराओ भाई, आप खाओगे ना तो ऐसे मुँह में ना घुल जाएगी, ऐसी मिठाई होती नहीं है, बहुत ही स्पेशल है ये और कहीं इंडिया में मिलती भी नहीं है। मुझे ज़्यादा मीठे का शौक है नहीं पर इनकी बर्फी इतनी टेस्टी होती है, मैं जब भी गंगानगर आता हूँ कितनी खा जाता हूँ पता नहीं चलता। आपको भी खिलाएंगे हम। यूँ तो सोहम मुंबई में रहते हैं और उन्होंने तुम्बाड़ जैसी फिल्म का निर्माण किया है, साथ साथ उसमें अभिनय भी किया है। सोहम ने अपने करियर की शुरुआत बाबा नाम की फिल्म से की और उन्होंने कंगना रनौत के साथ सिमरन फिल्म में भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने ढेर सारी वेब सीरीज पे काम किया है जैसे महारानी, जहाँ पर भीमा भारती का रोल काफ़ी लोकप्रिय था। इसके बाद हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा के साथ वेब सीरीज दहाड़ में भी नजर आए थे। सोहम को बचपन से ही फिल्मों का शौक था, अपने दम पर ही उन्होंने रियल एस्टेट पर बिजनेस कायम किया और आज वो श्रीगंगानगर के मशहूर रियल एस्टेट डेवलपर है। सोहम ने दिखाया वो सिंगल स्क्रीन थिएटर जहां पर उन्होंने फिल्में देखकर अभिनेता बनने का सपना सुलझाया था और आज वो खुद एक थिएटर चेन को ओन करते हैं अपने होम टाउन गंगानगर में। तो ये लंबा सफर, उससे जुड़ी हुई यादें और एक रियल एस्टेट डेवलपर, प्रोड्यूसर और अभिनेता बनकर एक लंबा सफर तय किया है सोहम शाह ने। मुस्कुराइए, आप श्री गंगानगर में हैं। भाई हर शहर में आजकल सेल्फी पॉइंट्स बहुत आम हो गए हैं और ऐसे ही श्री गंगानगर में ही सेल्फी पॉइंट है जहां हम सोहम लेके आए हैं। लेकिन मेन बात यह है कि इस जगह से इनका और इनके परिवार का एक खास कनेक्शन है, उनसे पूछते हैं क्या है कनेक्शन। तो ये जगह पर जब जहाँ पर है आई लव श्री गंगानगर पॉइंट, आपका एक खास कनेक्शन है तो बताएं क्या है वो कनेक्शन। इसका कनेक्शन ये है कि जब मैं छोटा होता था ना तो सिंगल स्क्रीन में हम टिकट लेने के लिए लंबी लाइन में लगते थे और लाइन में लगते और बाद में टिकट लेते थे, तो मैं बचपन में सोचता था कि अपना सिनेमा बनाऊंगा। तो जब मैं बड़ा हुआ तो फिर मैंने अपना सिनेमा बनाया, तो मैंने ये पूरा मॉल खड़ा किया है, इसमें पीवीआर सिनेमा है और ये हमने यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया है कि जो भी आए और प्राउड से सेल्फी लेके गए कि आई लव श्री गंगानगर। ये बताइए इसमें तुम्बाड़ कितने दिन चली आपके आपके थिएटर में? एक महीना पूरी चली है तुम्बाड़, चार वीक चली है, अभी भी चल रही है तुम्बाड़। तो अभी तो लास्ट टाइम भी जब तुम्बाड़ रिलीज़ हुई थी आई थिंक तब पीवीआर नहीं था, पर इस बार हमारा सिनेमा था, ये पीवीआर यहाँ पर खुला है 2019 में। तो आइए मैं आपको मेरा पीवीआर सिनेमा दिखाता हूँ, आइए। सोहम भाई के साथ चलते हैं उनके अपने मॉल में जहाँ उनकी फिल्म तुम्बाड़ एक बार फिर से रिलीज हुई है और लोगों को पसंद भी आ रही है। उनके अपने थिएटर में ये फिल्म देखने का अलग मजा होता है। तुम्बाड़ रिलीज हुई 2018 में, तब भी दर्शकों का प्यार मिला, फिर OTT पर लोगों ने पसंद किया और अब 2024 में तुम्बाड़ फिर से सिनेमा घर में है। तो आज सोहम संग उनके अपने थिएटर में तुम्बाड़ देखी जहाँ पर लोग अभी भी इस फिल्म को थिएटर में देख रहे हैं। वैसे देखिए यहाँ पर उनके फैंस कैसे आ गए और तुम्बाड़ का ये मशहूर डायलॉग सोजा नहीं तो हस्तर आ जाएगा सबने रिक्रिएट किया। सोजा वरना हस्तर आ जाएगा। तो इस वक्त मैं हूँ श्रीगंगानगर में और यहाँ पर सोहम की अपनी फिल्म चल रही है तुम्बाड़, स्क्रीन्स पर दोबारा रिलीज हुई और उसने धमाल मचाया। तो आई थिंक एक सपना होता है खुद को स्क्रीन पर देखने का, आपने बचपन में स्क्रीन सिंगल स्क्रीन में वो सपना देखा था, खुद की फिल्म यहाँ अपने शहर में आपके अपने लोग आपका परिवार और आप खुद देख रहे हैं, तो आई थिंक एक अलग फीलिंग होती है। अलग फीलिंग है और जब मैं छोटा होता था तो मुझे बहुत मन हुआ करता था मैं अपना सिनेमा बनाऊँ,
क्योंकि सिनेमा जाते थे तो देख एक आपका अंदरूनी प्यार होता है कि मुझे लगता था कि जब सिंगल स्क्रीन्स हुआ करते थे तब तो मुझे लगता था कि यार मैं बड़ा हूँगा ना तो एक सिनेमा बनाऊँगा। तो आज मैंने ये PVR सिनेमा बनाया, इसे मैं ओन करता हूँ। और खुशी की बात यह है कि मैंने सिर्फ सिनेमा नहीं बनाया, इस सिनेमा में फिल्म भी चल रही है मेरी। तो मुझे लगता है जब ऊपर वाला कृपा करता है ना तो बहुत कृपा करता है कि आप जो सपने देखते हो सब पूरे हो जाते हैं। नहीं तो मतलब आपने गंगानगर देखा है कि यहाँ का लड़का सपने ले कि बॉम्बे जाएगा और फिल्म बनाएगा। मतलब हम वो लोग हुआ करते हैं कि जो 40 किलोमीटर शूटिंग होती थी तो दौड़ के देखने चले जाते थे, और आज हमारी खुद की फिल्म बन रही है, खुद के सिनेमा में रिलीज़ हो रही है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो इट्स वेरी सररियल फॉर मी। पहली फिल्म कैसे, पहला ब्रेक मिला था कैसे, गंगानगर से आप बॉम्बे पहुँचे उस सुनहरी फिल्मी दुनिया में? बाबर करके मैंने एक फिल्म बनाई थी जो बहुत ही अतरंगी फिल्म थी। मतलब जैसे कि सब गलती करते हैं ना, बाहर से लोग आते हैं तो कहते हैं कि एक फिल्म बनानी है, तो बस ऐसे ही मैंने शुरू किया था। मतलब जब मैं छोटा था तब तो ये स्ट्रगल हुआ करती थी कि पैसे कमाने हैं, फिर एक टाइम पे पैसे कमाए तो समझ में आया कि हाँ यार पैसे कमा लिए पर ये एंड गोल नहीं है, कुछ और करना है लाइफ में। यू वांट टू एक्सप्रेस, यू वांट टू एक्सप्लोर। तो उसी चाह मैं बॉम्बे गया चला। तो मैंने भी पहली जो फिल्म बनाई थी वो ऐसी थी, बाबर, बहुत ही ख़राब सी फिल्म थी। तो वो फिल्म आई चली गई, पता नहीं चला। और तब ये सपना लेके आया था कि यार एक डेढ़ साल में नहीं हुआ तो वापस लौट आऊँगा। फिर मुझे समझ में आया कि ऐसे होता नहीं है, आपको यहाँ रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एक्टिंग करना सीखना पड़ेगा। फिर मैंने बहुत मेहनत की, तो उसके बाद मैंने शिप ऑफ थीसिस बनाई जिसे नेशनल अवार्ड मिला, बहुत प्यार मिला। फिर तुम्बाड़ शुरू हुई, तुम्बाड़ की जर्नी शुरू हुई, 6 सालों से बनाने में लगे, फिर वो रिलीज़ हुई, रिलीज़ होकर वो बॉक्स ऑफिस पे उतना काम नहीं कर पाई, फिर OTT पे उसने धमाल मचाया, फिर अभी उसने री रिलीज़ में सारे री रिलीज़ के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब जो उसने रिलीज़ के टाइम पे पैसे कमाए थे उससे 3x पैसे कमाए हैं। तो इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी और इट्स वेरी सररियल। यू कांट प्रिडिक्ट, यू कांट कैलकुलेट, देर इज़ नो कैलकुलेशन। कि मैं कभी, मुझे याद है कि मैं कभी आज तक मेरे स्कूल के स्टेज पे चढ़ा नहीं हूँ, मैंने किसी एक्टिंग किसी भी ड्रामा में पार्ट नहीं लिया है, सिर्फ सपना हुआ करता था। और जब सपना लिया था तब ज़रूरत कुछ और हुआ करती थी, जब ज़रूरत थी पैसे कमाने की तो सपना भी बैक सीट पे था। पर ऊपर वाले ने इतनी कृपा की कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फुलफिल हुई, सपने भी फुलफिल हुए। तो ये थे सोहम शाह, जिन्होंने अपना होम टाउन आज सास बहू और बेटिया को घुमाया। राजस्थान के छोटे के शहर से मुंबई माया नगरी तक का सफर काफी मजेदार था। आज सोहम शाह के साथ पूरा दिन बिताकर हमें पता चला कि सपने इंसान को जरूर देखने चाहिए। तो ऐसा था हमारे साथ श्री गंगानगर के सोहम शाह उर्फ तुब्बाड़ के विनायक राव, जो मुंबई के एक मशहूर अभिनेता और निर्माता है, उनका सफर जो आज आपने देखा। हमें सोहम के साथ ये पता चला कि आप छोटे शहर में हो तो सपने पूरे होते हैं, आई थिंक आप उस एग्जाम्पल हैं। तो क्या कहेंगे उन युवाओं को, छोटे शहर में तो सपने देखते हैं पर उनको लगता है शायद वो नहीं कर सकते, लेकिन आपकी स्टोरी इंस्पायर करती है कि छोटे शहर से भी सपने देखे जाते हैं और सपने पूरे भी होते हैं। मुझे लगता है वो, मतलब जो शाहरुख खान साहब का एक डायलॉग है ना कि अगर आप शिद्दत से चाहो तो कायनात भी आपके लिए कोशिश करती है टाइप, वो सच है कि आप सपने देखो, फोकस होकर अपना काम करो तो कहीं ना कहीं पहुँच ही जाते हो। और शायद आप ए जगह जाने चाहते हो बी पहुँच जाओगे, पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे शिद्दत से आप अपना काम करते रहोगे। तो बस जाते आते आज हमारे साथ, हम आपके साथ पूरा दिन बने रहे, आज क्या कहेंगे हमारे लिए, हम कुछ मुंबई से आपके पास आए कि लोगों को बता सके आपकी ये कहानी। बहुत मज़ा आया अमित, बहुत ही सीरियसली लेते हैं अपने काम को, बहुत डिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, बहुत प्लान करते हैं, बहुत ही इंथोजियाज़म है इनके। हमको कुछ भी दिखता तो कहते हैं यहाँ रुक जाते हैं, ये खेत शूट कर लेते हैं। तो इज़ वेरी हार्ड वर्किंग आई मस्ट से। तो ये शो इतने सालों से चल रहा है तो मुझे लगता है कि इसका पूरा क्रेडिट अमित और इनकी टीम को ही जाता है। तो ऐसा था सोहम का होम टाउन श्री गंगानगर, जहाँ पर आज उन्होंने बचपन को जिया, अपने रिश्तों को जिया, दिखाई वो जगह जहाँ आज भी वो जुड़े हुए हैं। फिर चाहे वो उनका स्कूल कॉलेज हो, खेत खलिहान हो, या फिर वो सिनेमा हॉल जहाँ पर उन्होंने पहली बार फिल्म देखी थी, और अब खुद अपनी टाउनशिप और अपने सिनेमा हॉल में वो खुद की फिल्म का सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई सोहम शाह की फिल्म तुम्बाड़ एक बार फिर से रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है, और इसी के साथ उन्होंने तुम्बाड़ 2 का भी ऐलान कर दिया, और उनकी नई फिल्म क्रैक भी 2025 में रिलीज होगी। यानी दिवाली सोहम के लिए लाई है खुशियां, और साथ साथ दर्शकों को कुछ अनोखा एंटरटेनमेंट देने के वादे के साथ भी। श्रीगंगानगर से कैमरामैन स्वराज दीक्षित के साथ अमित त्यागी। दिवाली को बहुत अच्छे से मनाइए, खुशियों से मनाइए, सेफ दिवाली बनाइए, पटाखे वगैरह ना जलाइए, उससे पोल्यूशन होता है। प्यार से बनाइए, मजे से बनाइए।
तो